हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू? वेलकम टू करियर अड्डा। अब ये जो इक्वेशंस हैं ये क्या है, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, ग्राफिकल प्रूफ्ड भी होता है। तो उस उन प्रूफ्स को देखने के लिए, समझने के लिए हमको सबसे पहले ग्राफ समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको पहले ग्राफ समझा देता हूँ कि सबसे पहले कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं। फर्स्ट होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकेंड होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलो, बोथ आर सेम थिंग। स्पीड टाइम ग्राफ बोलो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलो, बोथ आर सेम थिंग, है ना। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीटी ग्राफ भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। और थर्ड एक्सलरेशन, एक्सलरेशन टाइम ग्राफ। तो आप एक चीज इसमें देखेंगे, इसको बोलेंगे एटी ग्राफ। तो आप एक चीज इसमें देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, तीनों में ही टाइम फिक्स्ड है, बट सामने जो क्वांटिटी वो अलग अलग है। फर्स्ट में डिस्टेंस है, सेकंड में स्पीड है, थर्ड में एक्सलरेशन है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, यहाँ पे वेलोसिटी भी हो सकता है। वेलोसिटी होगा तभी एक्सलरेशन होगा, वेलोसिटी नहीं होगी तो एक्सलरेशन भी नहीं होगा, है ना। तो एक्सलरेशन, तो यहाँ पे टाइम 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 तीनों में फिक्स्ड है, पर यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड एंड एक्सलरेशन ऐसे तीनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम जब भी ग्राफ देखेंगे तो उसमें टाइम जो है वो फिक्स्ड रहेगा। तो मैं सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फर्स्ट जो है डीटी ग्राफ, डीटी ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डीटी ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में हम क्या करते हैं, दो एक्सिस। टू डी ग्राफ जब हम दिखाते हैं तो टू एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, ये हमको पता है ना। तो एक्स एक्सिस में हमेशा क्या होता है, टी को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड में हो सकता है, आवर में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, जिसमें भी हो सकता है, पर एक्स एक्सिस में हम क्या करो, टी को रिप्रेजेंट करो। और वाई एक्सिस में आप क्या करो, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी। तो ये डीटी ग्राफ, ठीक है। तो डीटी ग्राफ में हम क्या करेंगे, दो डीटी ग्राफ में ग्राफ बनाते हैं हम। तो डीटी ग्राफ में ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट फर्स्ट केस बनाता हूं, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्टेंस होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्टेंस या कांस्टेंट। यूनिफॉर्म को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलो या कांस्टेंट बोलो, कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है। यूनिफॉर्म बॉडी एट रेस्ट होगा, मान लो कि कोई बॉडी है यहां पे रेस्ट पे, थोड़ी दूर चली फिर यहां पे रेस्ट हो गई, थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर यहां पे रेस्ट हो गए, ठीक है, स्टॉप हो गए। तो बॉडी एट रेस्ट अगर होगा तो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट डिस्टेंस भी बोलते हैं उसको। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। जब इंक्रीज होगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा, पर यहां पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये देखो मैं मान लेता हूं यहाँ पे 2 मीटर है, तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, टाइम इंक्रीज होगा बट डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा, दैट विल बी कॉल्ड बॉडी एट रेस्ट और कांस्टेंट और यूनिफॉर्म डिस्टेंस, ठीक है। मेरे साथ आप लोग बच्चों नोट करते जाओ जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेकेंड केस हम ले लेते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, इसको हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी बोलो स्पीड बोलो, बोथ आर सेम थिंग फॉर स्ट्रेट पाथ। ये हमेशा याद रखना, कंडीशन याद रखना आप, स्ट्रेट पाथ कभी भी फिर आप वेलोसिटी स्पीड को रॉन्ग नहीं करोगे। तो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं हमको, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है,
जैसे कि एक कार है एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, तो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है तो सेम डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रही है। जैसे 2 आवर्स में उसने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगेन 2 आवर्स में उसने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगेन 2 आवर्स में उसने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो क्या हुआ, डिस्टेंस भी सेम है और टाइम इंटरवल भी सेम है। तो उस केस में क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं, या कॉन्स्टेंट स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। तो मैं ज़ूम कर लेता हूँ यहाँ पे 2 सेकेंड्स, फिर उसके बाद 3, यहाँ पे 3 सेकेंड्स, तो ऐसे करके आप एज्यूम करोगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिलते जाएगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसा। जब आप इस पॉइंट्स को ज्वाइंट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं ऐसे। क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट स्पीड या फिर वेलोसिटी, जिसका ग्राफ होता है स्लोप होता है। डीटी ग्राफ कैसा होता है? स्लोप होता है। किसके लिए? यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी के लिए, ठीक है। थर्ड, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? स्लोप नहीं बनेगा यहां से। अब नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं, कि जैसे उसने 2 आवर में 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 2 आवर में उसने क्या किया, 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 2 आवर में उसने 300 किलोमीटर ट्रेवल किया। टाइम इंटरवल सेम है पर डिस्टेंस वो अलग अलग ट्रेवल कर रहा है। हो सकता है उसको ट्रैफिक ज्यादा मिला किसी कहीं कहीं पे रोड में, हो सकता है वो कहीं थक गया होगा तो रेस्ट करने के लिए रुक गया होगा, तो टाइम तो इंक्रीज होगा ही कंटिन्यूअसली, पर उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो सेम नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसका ग्राफ बनता है कर्व्ड। कैसा ग्राफ बनता है? कर्व्ड ग्राफ बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक कर्व बोलते हैं, ठीक है। पैराबोलिक कर्व जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी के लिए डीटी ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोलिक कर्व। तो ये आप नोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा स्पीड टाइम ग्राफ। ओके चैंपियंस, बाय बाय।